छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ने के विरोध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के नेता कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है, जहां कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के पश्चात जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के विरुद्ध जाकर लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के साथ जनता कांग्रेस ने एक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो भी कांग्रेस वालों के द्वारा और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन देने आए हैं। उसमें सरकार द्वारा बिजली बिल पर किए जा रहे बढ़ोतरी के संबंध विरोध के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, ज्ञापन सौंपे हैं। तो अब ये ज्ञापन को हम ले करके मतलब जहाँ के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया वहाँ तक हम पहुँचवा देंगे। मैं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती बी एकता। मैं आशीष उपाध्याय, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का जिला अध्यक्ष हूँ। मांग ये है कि सरकार जब अपने चुनावी दौर में थी तो उसने आम जनता से ये वादा किया था कि बिजली के बिल हम कम करेंगे, लेकिन सितंबर 2022 में 23 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई और लगातार ये तीसरे माह में 49 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है। गरीब जनता के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ है और सरकार जो है अपने चुनावी वादे के विपरीत जाकर लगातार अवस्था में बिजली के बिल के रेट में बढ़ोतरी कर रही है। इसके विरोध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे आज ये ज्ञापन दी है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है और आम जनता की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में नहीं रख रही।